एसबीआई बेहद दमदार नतीजे पेश किए हैं बैंक ने और मैनेजमेंट 16-17% की ग्रोथ इस साल दिखा सकता है, इसको लेकर पूरा कॉन्फिडेंट है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हल्की फुल्की कमी आ सकती है। प्रोविजंस किया है 3900 करोड़ का सैलरी के लिहाज से, जिसकी वजह से ओपेक्स थोड़े से उनको कमजोर आपको नजर आएंगे, एसेट क्वालिटी सुधरती हुई। ब्रोकरेजेज में गोल्डमैन की तरफ से टारगेट थोड़ा सा कट किया है 746 से 710, वहीं जेफरीज ने 760 से 780 टारगेट बढ़ाया है। मिले जुले नतीजों पर रिएक्शन आते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है निराश, निम्स इनके एस्टिमेट से खराब आए हैं, स्लिपेजेस और प्रोविजनिंग बढ़कर आई है। एनआईए में भी ठीक ठाक ग्रोथ दिखी है, प्रॉफिट्स इनके ठीक ठाक रहे हैं। हालांकि जेपी मॉर्गन ने टारगेट बढ़ाकर 250 रुपए का कर दिया, बट नंबर्स कुछ ज्यादा खास नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा। मिले जुले से नतीजे है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स के, उम्मीद के मुताबिक कह सकते हैं, लेकिन ऑपरेशनली मजा नहीं आया नंबर्स देख के। आय 5% बढ़ी है, मुनाफा 23% घटा है और वजह 11.5% से मार्जिन घटकर 10% के आसपास आते दिखे। मेट्रोपोलिस स्टॉक में जबरदस्त एक्शन दिखा है, नतीजे ठीक ठाक आए, थोड़ा ऑपरेशनल प्रेशर ही इनफैक्ट आपको दिखेगा। रेवेन्यू फ्लैट रहा है ऑलमोस्ट, मुनाफा 10% गिरा है, मार्जिन 26.3% से घटकर 24.3% आए हैं, अनुमान से खराब। सीमेंट इंडस्ट्री के अब तक के सबसे शानदार नंबर्स जेके सीमेंट की तरफ से, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दमदार, आय 24% बढ़कर आई है, मुनाफा 60% बढ़ा है और मार्जिन 14.5% से 17% दमदार। स्टॉक ऑफ द डे का एक और स्टॉक वेदांता, बेहतरीन नंबर्स हैं, स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, नंबर शानदार है, हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू, सेकंड हाईएस्ट क्वार्टरली एबिटा, लॉस जरूर आया है बट वन ऑफ एक्सपेंसेस की तरफ से आपको आते हुए दिखा है, अदरवाइज नंबर्स अच्छे हैं और मार्जिन जबरदस्त बढ़त यहां पर आपको दिखी है। लगातार चौथी तिमाही मुनाफा दिखाती हुई इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन, उम्मीद से बेहतर नंबर्स, 190 करोड़ का मुनाफा, 16.5% के मार्जिन, आय जरूर कम हुई है। ब्रोकरेज का रिएक्शन मिक्स है, जेपी मॉर्गन ने थोड़ा सा टारगेट घटाया है 2880 किया, वहीं सीटी ने टारगेट 2900 से बढ़ाकर 3400 किया है, ये बड़ा अपग्रेड। आरती इंडस्ट्रीज ऑपरेशनली बढ़िया नंबर से, मार्जिन देखिए एक्सपैंड होकर आए हैं, वो भी इस समय जब बाकी केमिकल्स कंपनी स्ट्रगल कर रही है मार्जिन के लिए, मुनाफा 60 करोड़ के अनुमान के सामने 90 करोड़ का आया है, रेवेन्यू जरूर कमजोर है बट अदरवाइज अच्छे नंबर्स आरती इंडस्ट्रीज के। टाइटन और जोमेटो दोनों पर ब्रोकरेजेस अपग्रेड आए हैं, सीएलएसए ने टाइटन का टारगेट 400 रुपए से बढ़ाकर 3540 से 2950 किया है, वहीं जोमेटो पर सीएलएसए का टारगेट 120 से 168। और फाइनली जेके पेपर, ट्रेडर्स को पसंद है स्टॉक बट नतीजे खराब है, मार्जिन 33% के गिरकर 25% आए, मुनाफा 7% गिरा है, आय में भी आपने ग्रोथ नहीं देखी तो निराश किया जेके पेपर ने, देखते हैं क्या इंपैक्ट आता है। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स। प्री ओपनिंग सेशन की हो चुकी है।